अच्छा, तो ये हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्लस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के कंबाइंड चैप्टर टेस्ट हैं, इसकी हम डिस्कशन करते हैं। ओके, हमारे पास सबसे पहले है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल ऑलवेज कंटेन डीएनए। सो वी नो दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, सो इसमें हमारे पास हमेशा डीएनए होगा, बाकी इन तीन में हमेशा हमारे पास नहीं होता। अच्छा, 122 है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सोक्राइन सेल बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन अ रिजल्ट ऑफ देयर फंक्शन। सो इंक्रीज अमाउंट ऑफ डीएनए इसमें सही है, या हमारे पास इंक्रीज अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्म। सो वो हमारे पास प्रोटीन की बात कर रहा था ना, सो इंक्रीज अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, फिर हमसे पूछ रहा है कि सम सेलुलर ऑर्गेनेल आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन while other organelle have two membrane around them, which one of the following is correct? टोन सिंगल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट यानी वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, ये तो करेक्ट है। टू मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस भी डबल है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल है, सो ये ऑप्शन तो हमारे पास करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट सिंगल में आते हैं, नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग। न्यूक्लियस सिंगल में आते हैं, नहीं, न्यूक्लियस सिंगल में आते हैं नहीं, सो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो जाएंगे। द डायग्राम बिलो शो सम ऑफ द स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल, ए बी सी डी दियो है। विच ऑफ द स्ट्रक्चर ए बी सी डी आर वुड बी इन्वॉल्व इन द फाइनल सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम फ्रॉम द सेल। सो हमारे पास क्या आएगा इसमें कि ए जो है ना, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास सेक्रेटरी वेजिकल्स शो कर रहे हैं, ठीक है। सो इसने भी हमारे पास यही पूछा था कि सेल सेक्रीशन में हमारे पास कौन, सो यही होते हैं जो हमारे पास ट्रांससाइड ऑफ गाल्जी बॉडी से हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ से अखज होते हैं ना, ट्रांससाइड ट्रांस फेज ऑफ गाल्जी कम्प्लेक्स सेक्रीशन के बाद हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस्ड वगैरह भी होते हैं और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, रिलीज ऑफ कॉन्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ हमारे पास ये रिलीज हो जाते हैं। सो इसमें हमारे पास इन्हें ऑप्शन तो नहीं दिए हुए, सो इसमें हमारे पास ये वाला ऑप्शन यहीं स्ट्रक्चर में दिए हुए कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सो ये ए वाला स्ट्रक्चर हमारे पास इसमें होगा, ठीक है, ये रिलीज करेगा आखिर पे। अच्छा, 125 है हमारे पास, व्हेन ग्लाइकोप्रोटीन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर सेक्रीशन फ्रॉम अ सेल व्हिच रूट इज टू मोस्ट लाइक। अच्छा, फिर हमारे पास रूट का पूछ रहा है, सो हमें पता है कि ग्लाइकोप्रोटीन यानी प्रोटीन हमारे पास सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, सो ये ऑप्शन भी हमारे पास गया, ये ऑप्शन भी हमारे पास गया, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद स्मूथ के पास जाता है, इसमें तो गाल्जी, ये ऑप्शन गया, स्मूथ के बाद फिर गाल्जी के पास जाता है, सो सी मॉडिफिकेशन के लिए, सो सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। द डायग्राम शो द कंपोनेंट दैट कैन बी सीन विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन अ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ए क्या है हमारे पास, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, हमसे इसमें स्ट्रक्चर पूछे हुए, ठीक है। सो ए तो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक, फिर हम आते हैं बी, बी हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टाई वगैरह, ठीक है। सो ए आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये ऑप्शन तो सही है। बी हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, ये ऑप्शन भी सही है। सी देखो ना, सी क्रिस्टा है हमारे पास, सो सी देखो इसमें क्रिस्टा आ रहा है। डी मैट्रिक्स है हमारे पास, ई इंटर मेम्ब्रेन, सो ए ऑप्शन ही हमारे पास कुरेक्ट आ रहा है। What distinguish a prokaryotic cell from a eukaryotic cell? So prokaryotic cell have cell wall and nucleus, नहीं ये बात तो wrong है। Prokaryotic cell have known membrane bounded organelle, yes। Prokaryotic cell के पास हमारे पास membrane bounded organelle नहीं होते, जबकि eukaryotic cell के पास होते हैं, so ये इसको distinguish करता है। Polysaccharide are synthesized in plant by the process of so they condense water molecule को release करते हैं, so condensation process के जरिए, okay। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, कौन सा हमारे पास सारे यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होगा। सो वी नो दैट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल सारा में हमारे पास मौजूद होते हैं, सेल वॉल ये तो एनिमल में नहीं होता, डिप्लॉइड न्यूक्लियस ये भी नहीं हो सकता, फ्लैजिलम भी नहीं हो सकता, प्लांट में नहीं होता हमारे पास, ठीक है। अच्छा, 30 है हमारे पास, 130 के विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी डी करेक्टली शो द स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, यस। माइटोकॉन्ड्रिया, यस। राइबोसोम, यस। सो डी वाला ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। द न्यूक्लियस ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल कंटेन वन आर मोर डेंस बॉडी नोन हैज न्यूक्लियोली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोली। सो न्यूक्लियोली का हमारे पास करेक्ट फंक्शन क्या है, ये हमारे पास राइबोसोम की फैक्ट्री है, सो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम इज आवर करेक्ट ऑप्शन।
132, विच आर द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंटेन द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ आर एन ए न्यूक्लियोलस में हमारे पास होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, विच टू ऑफ द ग्रुप कंबाइन टू फॉर्म अ पेप्टाइड लिंकेज। सो कौन कौन से एमाइन और कार्बोजिलिक ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो 1 और 3 यानी बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट इसमें हो जाएगा। Which one of the following reaction result in conversion of amino acid to protein? So we know that condensation reaction. The resolution power of human naked eye, so 1.0 milliliter है हमारे पास। To count the cell, which apparatus is used? So cell counter use होता है हमारे पास, ठीक है। A structure consisting of 20 part and having a diameter of 20 nanometer is found to attach to membrane in cell. What is this structure? This structure हमें पता है 20 nanometer किसके, ribosome का है हमारे पास। Which one of the following type of bond is principally concerned to maintaining the alpha helix? So that is hydrogen bond है। Most polysaccharide are composed of chain of condensed, so they are condensed hexose units. Differentially permeable of the cell membrane is due to, so differentially हमारे पास lipid की वजह से होता है, ठीक है। और अगर वो आपको कह दे कि differentially lipid की वजह से होता है और सेलेक्टिवली प्रोटीन की वजह से होते हैं, ठीक है। अच्छा, पेप्टाइड लिंकेज इज फाउंड बिटवीन अ कार्बोजाइल ग्रुप एंड एन अमाइनो ग्रुप, सो ये ऑप्शन ही करेक्ट है हमारे पास। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग सेल, लिविंग सेल में मोस्ट अबंडेंट वाटर है 70% है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पायरामिडिन। पायरामिडिन में हमारे पास आ जाते हैं पाई कट, ठीक है, यानी साइटोसिन यूरासिल थायमिन। सो इसमें हमारे पास कौन सा नहीं आ रहा, सी यू टी गवानिन नहीं आ रहा, वो प्यूरिन में आता है। डैश इज कंसीडर हैज ऑक्सीडेटिव ऑर्गन ऑफ माइटोकांड्रिया, सो दैट आर क्रिस्टाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड, सो वी नो दैट जो प्रोटीन होगा उसमें अमाइनो एसिड होगा, सो कोलाजन हमारे पास प्रोटीन है, सो इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक द मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल, फिर आया हुआ है, सो डिफरेंशियली हमारे पास लिपिड बनाता है। Which one of the following molecule contain peptide bond? फिर प्रोटीन आया, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, सो कोलाजन हमारे पास प्रोटीन है, इसमें फिर पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन एंड एच एटम इन कार्बोहाइड्रेट इज द सेम है, किसकी तरह हमारे पास सेम होते हैं, वाटर की तरह। हाउ डू माइटोकांड्रिया डिफर फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया हमारे पास क्लोरोफॉर एटीपी सिंथेसाइज ओनली इन माइटोकांड्रिया, नहीं ये बात, डीएनए इज फाउंड ओनली इन द क्लोरोप्लास्ट, क्या हमारे पास डीएनए हमारे पास सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, नहीं। मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम फाउंड ओनली इन माइटोकांड्रिया, नहीं, दोनों में पाए जाते हैं। एनएडीपी इज फाउंड ओनली इन क्लोरोप्लास्ट, ये बात हमारे पास करेक्ट है क्योंकि वहां पे तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सो 149 में डी करेक्ट है। और उसमें हमारे पास फिर क्या होता है माइटोकांड्रिया में, तो हमारे पास सिर्फ एनएडी होता है ना, और जब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास फिर एनएडीपी होता है। अच्छा, इंजाइम आर बिल्ड फ्रॉम, इंजाइम हमारे पास अमाइनो प्रोटीन होती है एंड बिल्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। दिस इज एबसेंट इन प्रोक्रियाटिक सेल, प्रोक्रियाटिक सेल में हमारे पास क्या एबसेंट होता है, प्रोक्रियाटिक सेल में हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली एबसेंट होते हैं। डैश इज कंसिडर हैज ऑक्सीडेटिव ऑर्गन ऑफ माइटोकांड्रिया, सो क्रिस्टाई पहले भी आया होता है, इट इज ऑक्सीडेटिव ऑर्गन ऑफ माइटोकांड्रिया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली कंटेन डीएनए एक्सेप्ट, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता, बाकी ये तीनों में हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिगार्डेड हैज बैक बोन अपॉन विच ऑर्गेनिज्म बिल्ट अ रेंज ऑफ एसेंशियल मॉलिक्यूल, सो वी नो दैट दैट इज कार्बन। A suitable example of terpenoid, terpenoid के लिए हमारे पास suitable example क्या है, terpenoid के लिए हमारे पास steroid है ना, ये भी isoprenoid unit से बना है, और terpenoid भी हमारे पास isoprenoid unit से बना हुआ होता है। Large number of mitochondria is expected in, so वो कहाँ पे, muscle cell में हमारे पास, ठीक है। Acyl glycerol anhydrolysis produce glycerol and 3-fatty acid हमारे पास, ठीक है, so B option। A peptide bond is found between, peptide bond हमारे पास carboxyl group और amine group के दरमियान बनता है, यानी D option हमारे पास correct हो जाएगा। A sequence of amino acid is may end in either an amino group or a carboxyl group. What is the theoretical number of the chemical different dipeptide that may be assembled from 20 different amino acid? ठीक है, so इसके लिए हमारे पास ये formula होता है x की पावर y, x हमारे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, सो नंबर ऑफ अमीनो एसिड हमारे पास 20 हैं, और उस ऊपर उसने क्या पूछा, डाइपेप्टाइड यानी 2, सो 20 की पावर 2 हमारे पास कितना होता है 400, सो 59 में हमारे पास D हो जाएगा, ठीक है, यानी 20 मल्टीप्लाई 20 हमें क्या देता है 400 देता है।
Which one of the following is a characteristic of saturated fatty acid which distinguishes them from unsaturated fatty acid? So इसमें से हमारे पास कौन से characteristic, they do not contain glycerol, ये बात तो रॉन्ग है, they contain high proportion of mass of oxygen, ये बात भी रॉन्ग है हमारे पास, they contain only unbranched, नहीं only तो हमारे पास नहीं हो सकता, they contain no double bond, ये saturated में हमारे पास कोई double bond नहीं होता। The attachment of many ribosome to the same strand of messenger RNA form a structure known as इसको हम polysome या हम polyribosome भी कहते हैं। Which term most appropriately describe catalase, collagen and hemoglobin? So ये सारे हमारे पास क्या, ये polypeptide के enzyme हैं, so इसके लिए हम D वाला option use करते हैं, ठीक है? अच्छा, हमारे पास फिर आता है कि 63 स्कल्ड सॉल्यूशन इंपार्ट कलर टू, सो ये हमारे पास किसको देता है, ये हमारे पास स्कल्ड सॉल्यूशन कलर, कौन सा कलर देता है, इसने कलर पूछा हुआ है, सो स्कल्ड सॉल्यूशन हमारे पास येलो कलर देता है, ठीक है, कीपी बुक में है, इसका फुल चार्ट है। अच्छा, द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इन द यूकैरियोटिक सेल, सो वी नो दैट कौन से राइबोसोमल आरएनए आर मोस्ट 80% है हमारे पास। व्हिच फार्मूला इज फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ट्राइओज, इसके लिए देखो ना C3H6O3 फॉर अ ट्राइओज, सो दिस इज फार्मूला फॉर अ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, 66 द डायग्राम शो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर इनक्लोज्ड बाय अ बॉक्स, सो बॉक्स के दरमियान हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, ये देखो ना, ये कार्बोजाइल ग्रुप है और एमाइन ग्रुप है, सो ये हमारे पास एक पेप्टाइड लिंकेज होगा या पेप्टाइड बॉन्ड होगा। द हेलिकल फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेंज इज ड्यू टू द प्रेजेंस विद इन द मॉलिक्यूल ऑफ डैश, सो द हेलिकल फॉर्म है, सो वी नो दैट अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड में हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास होता है। विच प्रोटीन हैज फाइबरस स्ट्रक्चर, हमारे पास कोलाजन जो है वो हमारे पास फाइबरस है, बाकी ये तो हमारे पास ग्लोब्यूलर है तीनों, ठीक है। सो 68 में बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन ह्यूमन मसल, ह्यूमन मसल में हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। 70 है हमारे पास कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्टेन प्रोटीन मॉलिक्यूल, हमारे पास किस किस के हैं, द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन विच आर फोल्डेड अराउंड ईच अदर, इन ईच चेन द अमीनो एसिड आर हेल्ड इन हेलिक्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, विच ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट वन में हमारे पास कहते हैं कि मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड है, तो ये तो हमारे पास फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा, सो स्टेटमेंट वन में हमारे पास क्वार्टरनरी आ जाएगा क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन है। दूसरे में कहते हैं कि अल्फा हेलिक्स, हमें पता है कि अल्फा हेलिक्स में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सो 70 में डी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ सेल कैन बी सेपरेटेड बाय, सो इट कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, के जरिए हम कंपोनेंट ऑफ सेल वो करते हैं, सेल फ्रैक्शन या सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोप्रोसेस तो साइज चार्ज के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो 71 में हमारे पास सी होगा कि द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ सेल कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक, इसमें हमारे पास फिर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, विच मॉलिक्यूल कंटेन पेप्टाइड बॉन्ड, फिर हमारे पास है जो प्रोटीन होगा इट मस्ट कंटेन पेप्टाइड बॉन्ड, सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अमीनो एसिड, सो जो हमारे पास प्रोटीन नहीं होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम है, सो इसमें हमारे पास होंगी ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट, इसमें हमारे पास कोई अमीनो एसिड नहीं होंगे। विच मॉलिक्यूल कंटेन अमीनो एसिड, पीरा जो प्रोटीन होगा हेमोग्लोबिन, लिपिड आर इंपॉर्टेंट डाइटरी कंस्टिट्यूट बिकॉज ऑफ ली, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, हाई एनर्जी वैल्यू, यस, फैट सेलोबल विटामिन एसेंशियल फैटी एसिड डी, ऑल ऑफ दीज हमारे पास कुरेक्ट हैं। अच्छा है, पॉलीसेकेराइड आर सिंथेसाइज इन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ, सो वी नो दैट कंडेंसेशन प्रोसेस, छोटे छोटे यूनिट मिलते हैं। द डायग्राम शो अ कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉन्ड विच लिंक्स द टू यूनिट, सो वी नो दैट कार्बोहाइड्रेट के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारे पास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन अल्फा, तो अल्फा हेलिक्स और उसमें हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। व्हाट डज हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयरन आयन अटैच टू ईच हेमी ग्रुप, या हमारे पास है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच टू हेमी ग्रुप, या हमारे पास है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ईच विद 1 अटैच्ड हेमी ग्रुप, सो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ह्यूमन मसल्स, ह्यूमन मसल में हमारे पास ग्लाइकोजन होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।